इसको आप यूं भी देख सकते हैं, क्योंकि एफ़ देखिए, एफ ए और सी के दरमियान है, तो अगर आप एफ़ को देखना चाहते हैं, ये अगर मैं सेट ए ले लूँ और ये सेट सी लूँ और इनके दरमियान जो मैपिंग है वो एफ़ है, और ए का एलिमेंट अगर ए है, क्योंकि ये इसके एलिमेंट यहाँ शो करेगी, थ्रो करेगी, तो ये एलिमेंट क्या होगा, ये एफ ऑफ ए होगा। तो देखिए एफ ऑफ ए किसका होगा, सी का होगा, वो मैंने वही लिखा कि एफ ऑफ ए सी का होगा। इसी तरह जो जी मैपिंग है, ये जो सेट है जी, जो मैपिंग है आप देख सकते हैं ये बी और डी के दरमियान है, तो इसको आप बी ले लीजिए, इसको आप डी ले लीजिए, और इनके दरमियान मैपिंग जी है। अगर बी का एलिमेंट अगर बी है तो ये कहाँ जाएगा, डी में, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जी ऑफ बी बन जाएगा। और जो एक्स टू होगा ये ए टू कोमा बी टू के बराबर होगा, क्योंकि एक्स वन बिलोंग ए क्रॉस बी को है, तो उसके अंदर एलिमेंट जो कि ऑर्डर पेयर होते हैं, तो हमने भी एक्स वन को भी ऑर्डर पेयर के बराबर ले लिया और एक्स टू को भी हमने ऑर्डर पेयर के बराबर ले लिया। पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का मैंने ऊपर लिख दिया। अब मैंने कंसिडर क्या करना है, कंसिडर मैंने प्रूव करना है कि एच जो है ये बाइजेक्टिव है, सॉरी एच जो है वो वन वन है, तो क्या होगा, मैं लूँगा h ऑफ x1 बराबर है h ऑफ x2, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, यानी मैंने इमेजेस बराबर ले लिए, मैंने ये प्रूफ करना है कि जो एलिमेंट हैं जो x1 और x2 ये भी बराबर है। मैंने ये
थ्री आएगा। इसका मतलब हुआ कि चूंकि एफ वन वन है लिहाजा यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट दो लेता हूँ ए वन और ए टू ए का, तो एफ ऑफ जो होगा, एफ ऑफ जो बनेगा, जो ए बनेगा, अगर मैं इसको एफ ऑफ ए टू ले लूँ, ए वन और ए टू ले लूँ, तो इट मीन्स होगा कि जो ए वन होगा ये बराबर आएगा ए टू के। ये मेरे पास रिजल्ट ऑलरेडी मुझे गिवन दिया गया कि एफ बाइजेक्टिव है, लिहाजा एफ वन वन होगी, तो इट मीन्स उसके अगर मैं इमेजेस ले लूँ एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ ए टू बराबर ले लूँ, तो अब श्योरली उनके जो एलिमेंट्स होंगे जिनके वो इमेजेस हैं वो भी बराबर आएंगे। इसी तरह चूँकि जी बाइजेक्टिव है तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, इट मीन्स ये जो बनेगा ये रिजल्ट क्या बनेगा, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए टू का मतलब क्या बनेगा, ये ए वन इज इक्वल टू ए टू बनेगा। ये सारा लिखने की वजह से आप लिख सकते हैं कि सिंस एफ इज़ बाइजेक्टिव, सारा लिखने की जरूरत नहीं होती, जब आप जवाब दे सकते हैं सिंस एफ इज़ बाइजेक्टिव। और यहाँ से मैं ये डिड्यूस करूँगा कि जो बी वन है इज इक्वल टू बी टू बनेगा, और सर जान लीजिए सिंस एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव कह दें बेशक, या आप उसको वन वन कह दें, तो ये इनसे ऑलरेडी रिजल्ट निकल आएगा। ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी नोन रिजल्ट, आपको एक्सप्लेन करने की मैं कुछ थी यहाँ पे, मैंने सिर्फ इतना लिखना काफ़ी है कि एफ और जी बाइजेक्टिव है, लिहाजा अगर उनके इमेजेस बराबर हैं तो उनके एलिमेंट बराबर आएंगे, यहाँ से ए वन ए टू के बराबर आ जाएगा और वहाँ से बी वन बी टू के बराबर आ जाएगा। चलिए उसके बाद क्या बनेगा, आप फिर इन दोनों को लीजिए, ये वाला रिजल्ट लीजिए और ये रिजल्ट लीजिए, इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ए वन कोमा बी वन बराबर है ए टू कोमा बी टू। ठीक है ना, ये वही है कि दो अगर दो ऑर्डर पे बराबर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो बराबर होंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हैं तो उनका जो ऑर्डर पे वो बराबर बन जाएगा। मैंने इन दोनों को ज्वाइन करके ये रिजल्ट लिख दिया, मैं ये लिख सकता हूँ बिकॉज ए वन ए टू के बराबर ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर चुका हूँ और बी वन बी टू के बराबर प्रूफ कर चुका हूँ, तो इन दोनों को मिलाकर मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूँ। और ए वन बी वन क्या है, अगर ऊपर आप देखें जो कि ए वन बी वन असल में एक्स वन है और ए टू बी टू क्या है, वो एक्स टू है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बनेगा मेरे पास ये एक्स वन आ गया और ये क्या है एक्स टू आ गया। तो देखिए मैं कहाँ से चला था, मैंने एच वन एक्स एच ऑफ एक्स वन और एच ऑफ एक्स टू बराबर लिया था, और देखिए मैंने प्रूफ कर दिया कि एक्स वन इक्वल टू एक्स वन आ गया, मैंने उनके इमेजेस बराबर लिए थे और मैंने एलिमेंट बराबर कर दिए, जिसका मतलब क्या हो गया कि जो एच है इज वन वन। तो मेरे पास पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया कि जो एच है वो मैपिंग वो वन वन है। अब मैंने प्रूफ करना है कि जो एच है ये ऑन टू,
क्या है, ये एच ऑफ ए बी के बराबर है। तो ये जो राइट हैंड साइड ये क्या बन जाएगी, ये एच ऑफ ए कॉमा बी बन जाएगी। ये मेरे पास ऑलरेडी बाय डेफिनेशन जो मैंने डिफाइन की है उसके मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। और जो वाई वन कॉमा वाई टू, अब इसको वैसे का वैसे लिखिए, अब तो इसको थोड़ा डन कर दीजिए, आप इसको यूँ लिख सकते हैं, आप चेंज कर दीजिए, आप लिखिए एच ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू वाई वन कॉमा वाई टू। और वाई वन क्या था, वाई वन की ये वैल्यू है। तो देखिए ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा एफ ऑफ ए, और वाई टू क्या था, वो जी ऑफ बी है, तो वो देखिए जी ऑफ बी के बराबर आ जाएगा। तो देखिए क्या बन गया मेरे पास रिजल्ट, कि एच ऑफ ए भी जो है वो एफ ऑफ ए कॉमा जी ऑफ बी के बराबर है। और देखिए ये क्या बन गया, ये वही डेफिनेशन है जो मुझे बता रही है कि जब एच जो है वो क्या है, वो ऑन टू है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सच दैट फॉर ऑल, तो इसके एलिमेंट जो हम लेना सी क्रॉस डी का, और यहाँ पे देखिए ये सी क्रॉस के एलिमेंट है, विच तो फॉर ऑल आप कह लें कि यहाँ पे आपको एलिमेंट कर लें वाई कर लें, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू सी क्रॉस डी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, उसे आप एक्स कह लीजिए, किस में ए क्रॉस बी में, सच दैट कि जो एच ऑफ होगा जो हमने एलिमेंट लिया हुआ है एक्स, ये बराबर आ जाएगा इस वाई के। और देखिए और यहाँ पे जो x है वो किसका एलिमेंट है, वो एलिमेंट है मेरे पास a क्रॉस b का, जिसका एलिमेंट किस तरह होता है, वो a कॉमा b फॉर्म में होता है, तो उसको आप a कॉमा b लिख सकते हैं। और y किसका, c क्रॉस d का एलिमेंट है, और c में एलिमेंट f ऑफ a है, और d में f g ऑफ b के फॉर्म में, ये क्या बनेगा f ऑफ a और g ऑफ b। और देखिए ये रिजल्ट मैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका हूँ, ये देखिए ये बन चुका हुआ है, जिसका मतलब हुआ हैंस इट शोज दैट, हैंस दिस शोज दैट कि जो h है is on to है। अब देखिए एच जो है वो ऑन टू भी है, वो वन वन भी है, सिंस एच इज वन वन एंड ऑन टू इंप्लाइज एच इज बाइजेक्टिव। अब ए बाइजेक्टिव है, और ए किसके दरमियान थी, ए दरमियान थी ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी के, जिसका मतलब हो गया कि जो ए क्रॉस बी है ये इक्विवेलेंट है सी क्रॉस डी के, और यही मैंने रिजल्ट को प्रूफ करना था।